देवरिया पहुंची श्रमिक ट्रेन, दुल्हन की तरह सजाया गया देवरिया रेलवे स्टेशन। 550 यात्री देवरिया पहुंचे इस श्रमिक स्पेशल ट्रेन से। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से आए श्रमिकों के लिए देवरिया रेलवे स्टेशन पे व्यवस्थाएं की गई हैं, जैसे कि पंजीकरण, मेडिकल टेस्ट, खाने की आदि की व्यवस्थाएं की गई हैं। आज गुजरात के बड़ौदा व सूरत से 2400 श्रमिकों को देवरिया रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। यह ट्रेन देवरिया के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची। देवरिया रेलवे स्टेशन पर उतरे श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों का पंजीकरण, मेडिकल टेस्ट, खाद्य वितरण के बाद इन्हें बसों में बैठा के अपने गंतव्य स्थान के लिए किया गया रवाना। देवरिया श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे यात्रियों के स्वागत के लिए वहां मौजूद हैं पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी। सभी यात्रियों के लिए प्रशासन द्वारा खाने की व्यवस्था की गई, उसके बाद उन्हें बस में बैठा के उनके गंतव्य स्थानों के लिए रवाना किया गया। आज 3 ट्रेनें आनी हैं, जो सूरत से आएगी, बड़ौदा से आएगी, उनका ही ट्रेन है और इसमें करीबन 550 पैसेंजर्स हैं। सबका उनका थर्मल स्क्रीनिंग होगा, उसमें जो लोग सिम्टोमेटिक होंगे, जो कोई भी लक्षण नहीं होंगे, उनका रजिस्ट्रेशन हम लोग कराएंगे। जिले वाइज यहाँ बसेज लगाई गई हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि सारे लोगों को खाना, टिकट और अन्य चीज़ें जो है हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। एक किट भी दे रहे हैं हम लोग, तो वो करते जाएंगे और उनको हम लोग बस में व्यवस्थित करके तीनों बसेस की जो यात्री हैं उनको संबंधित जनपद में, जो देवरिया जनपद के लोग हैं उनको हम लोग अपने जो हमारे फैसिलिटी क्वारंटीन है वहाँ हम लोग लेके जाएंगे और वहाँ हम लोग उनको रखेंगे और साथ ही साथ उनको जो राशन पैकेट प्रदेश सरकार की व्यवस्था है। सर, ये सजावट जो हुआ है इसका क्या उद्देश्य है, जो मजदूरा प्रवासी क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज यही है कि जो है ये बहुत हम सब प्रदेश के बहुत महत्वपूर्ण नागरिक हैं और शासन के भी निर्देश प्राप्त हैं कि उनको किसी तरह की कोई असुविधा नहीं। आप देख रहे हैं कि टेंट लगाया गया, क्योंकि अगर दिन में ट्रेन आती है तो वहाँ कोई असुविधा ना हो और पूरी व्यवस्था जो है। आपके स्वागत में जी जी